हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सेवन स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 4.6 पापा पनो स्पेशल क्रिसमस। सो पापा पनो स्पेशल क्रिसमस, दिस इज योर लास्ट लेसन फ्रॉम योर सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ मीनिंग। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट पापा पनो इज अ कॉबलर। सो स्टूडेंट्स, इट इज इन रशिया is a place, and in this Russia there is a little village where Papa Panov live. So students, today we are going to know about Papa Panov's special Christmas, yani unke is special Christmas kyun unka bana. So yes, get started. Ab hum start karte hain hamare lesson ko. First, it was Christmas Eve, and although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village. For the short winter day was nearly over. Excited children squirredly indoors, and now only muffled sounds of chatter and laughter escape from closed shutters. So yahan par kya hai, meanings pehle dekhenge. Eve ka matlab kya hota hai students? Eve yani ki a day before festival, yani ki त्योहार के जो पहले दिन होता है या तो शाम लग जाते हैं, उसे ईव कहते हैं। तो क्रिसमस ईव था, यानी क्रिसमस के एक दिन जस्ट पहले की बात है, सो उसे ईव कहते हैं, अ डे बिफोर फेस्टिवल। सो इट वॉज क्रिसमस ईव, एंड ऑल दो इट वॉज स्टिल आफ्टरनून, और वो आफ्टरनून थी यानी दोपहर का वक्त था। लाइट्स हैड बिगन टू अपियर इन द शॉप्स एंड हाउसेस ऑफ द लिटिल रशियन विलेज, और जो लिटिल रशिया का विलेज था, तो वहाँ पे क्या आफ्टरनून था, और उसी टाइम पर सब लाइट्स थी वो सबके दुकानों के बाहर और सबके घर के बाहर, सबके घर में लाइट्स जो थी वो चालू हो गई थी। फॉर द शॉर्ट विंटर डे वॉज नियरली ओवर, अब विंटर्स का डे था तो जो डेज थे वो शॉर्ट हो गए थे, यानी कि मतलब जल्दी से अंधेरा होने लगा था। एक्साइटेड चिल्ड्रन स्क्यूरड इनडोर्स, स्क्यूरड का मतलब है टू रन क्विकली, यानी कि बच्चे लोग बहुत हैप्पी भी थे, क्रिसमस था। सो बच्चे लोग वहां पर क्या कर रहे थे, यानी यहाँ वहां भाग रहे थे, घर के आसपास इस घर से उस घर में लोग भाग रहे थे, सो उसे स्क्विरिट कहते हैं। एंड नाउ ओनली मफल्ड साउंड्स ऑफ चैटर एंड लाफ्टर स्केप्ड फ्रॉम क्लोज शटर्स, और अब सिर्फ आवाज कैसी आ रही थी, यानी कि चैटर की, यानी कि हर जगह से बच्चों की हंसने की आवाज, सब की बात करने की आवाज सबकी, यानी बच्चे लोग यहाँ वहां से भाग रहे थे शटर्स के पास से। सो उसके एस्केप्ट का मतलब है टू रन, तो वैसी बच्चों की लाफ्टर की यानी हंसी की आवाज आ रही थी। ओल्ड पापा पनो द विलेज शू मेकअप स्टेप्ड आउटसाइड हिज शॉप टू टेक वन लास्ट लुक अराउंड। तो पापा पनव होता है, वो क्या होता है, विलेज का शू मेकर होता है, यानी कि कॉबलर होता है। सो वो बस अपनी दुकान के बाहर स्टेप्ड आउट, यानी कि अपनी दुकान के बाहर आता है और सब दुकानों को, यानी सबका एक लास्ट लुक देखता है, यानी कि आसपास का सबको दुकान देखता है कि सबका दुकान बंद हुआ या नहीं, यानी वो आउटसाइड का एटमोसफियर देख रहा था। The sounds of happiness, the bright lights and faint but delicious smells of Christmas cooking reminded him of past. So, यहाँ पर क्या है, जब वो दुकान के बाहर गया, देखा आसपास का यानी वातावरण क्या चल रहा है, तो उसने क्या देखा, साउंड ऑफ हैप्पीनेस यानी लोगों की खुशी देखा, उनकी हंसने की आवाज, द ब्राइट लाइट्स, और लाइट्स जो थी वो कैसी थी, एकदम ब्राइट थी। एंड फेंट यानी टू सी हियर और फील, यानी किसी चीज को महसूस करना, या तो जैसे किसी चीज को देखना, या तो किसी चीज को सुनना, या तो किसी चीज को हम महसूस करना, फील करना है। तो वो क्या है, पापा पनोव क्या फेंट कर रहा था कि वो, उसने कुछ खुशबू सूंघी, कैसी थी, डिलिशियस स्मेल्स ऑफ क्रिसमस कुकिंग, यानी क्रिसमस में जो लोग बना रहे थे अपने घर में, तो उसने क्या उस चीजों की डिलिशियस स्मेल सुनी है, ऑफ Reminded him of past Christmas times, और अब वो उसे चीजें क्या याद दिला दी, उसके पास्ट की याद दिलाई है, जो उसके पास्ट में क्रिसमस के टाइम पर, when his wife and had still been alive and his own children little, now they had gone. So यहाँ पर क्या है, जो क्रिसमस था और क्रिसमस का पास्ट पापा पनव को याद आ रहा था, जब वो उनकी वाइफ के साथ में रहते थे, जब उनकी वाइफ अलाइव थी यानी जिंदा थी, और उनके खुद के चिल्ड्रेंस भी जब छोटे थे। नाउ दे हैड गॉन, अब वो सब चले गए। हिज यूजुअली चीयरफुल फेस विद द लिटिल लाफ्टर व्रिंकल्स बिहाइंड द राउंड स्टिल स्पेक्टिकल्स लुक्ड सैड नाउ। अब हमेशा की तरह उनका जो पापा पनफ का चेहरा कैसा होता था, चीयरफुल होता था, यानी खुशी से भरा, यानी हैप्पी होता था, हैप्पी फेस, चीयरफुल यानी हैप्पी,
विद द लिटिल लाफ्टर व्रिंकल्स, और जो वो हंसते थे यानी उनकी हंसी कैसी थी, वो ओल्ड पर्सन थे, ये पापा पनव है और वो कैसे ओल्ड है, सो वो हंस रहे थे तो व्रिंकल्स आए थे उन्हें, व्रिंकल्स यानी क्या, लाइन्स ऑन फेस ऑफ ओल्ड पर्सन, यानी झूरी जो आ जाती है चेहरे पर ओल्ड पर्सन के, उसे इंग्लिश में व्रिंकल्स कहते हैं, सो उनके उन व्रिंकल्स के पीछे क्या था, उनका राउंड स्टील का स्पेक्टिकल्स था, यानी कि उनका चश्मा था, और उस चश्मे के पीछे यानी उनके आंखों में आंसू आ गया था और वो बहुत उदास हो गए थे, लुक्ड सैड नाउ. But he went back indoors with a firm step, put up the shutters and set a pot of coffee to heat on the charcoal stove. अब वो पापा पनोफ क्या हो गए, यानी उदास हो गए, और अब वो चुपचाप अपने शटर में यानी अपनी दुकान में चले गए, उन्होंने अपना शटर डाल दिया और फिर अपने घर में उन्होंने क्या किया, a set a pot of coffee, यानी कि उन्होंने चूल्हे पर कॉफी रखा, heat on the charcoal stove. अब charcoal stove क्या है students, charcoal stove यानी कि लकड़ी का, लकड़ी से जो जलाते थे चूल्हा, और कोयले से भी लगाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कैसा कोयले का लिया था, यानी चाकोल, ब्लैक कलर का कोल जो होता है उसका, उससे उन्होंने अपना स्टोव को जलाया. देन विद अ साय ही सेटल्ड इन हिज बिग आर्मचेयर, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कॉफी रखने के बाद उन्होंने एक लंबी सी सांस ली, साय का मतलब है अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस ली. He settled in his big armchair. Armchair में वो बैठ गए. Armchair यानी क्या, big chair. जो राजा लोग के पास chairs होती है, उसे armchair कहते हैं. जिस पर हम अच्छे से comfortably लेट सकते हैं, या तो हम उस पर अच्छे से बैठकर सो सकते हैं, यानी जिस पर नींद आ जाए, वैसा armchair है. Papa Panov did not often read, but tonight he pulled down the big old family Bible and slowly tracing the lines with one forefinger. He read again the Christmas story. Often, often का मतलब है बार बार, यानी again and again. तो पापा पनोफ did not often read, यानी हमेशा वो नहीं read करते थे books को. But tonight यानी आज रात, पर आज के दिन, आज रात उन्होंने क्या किया, He pulled down the big old family Bible. उन्होंने एक family की बड़ी Bible ली और उसे slowly trace करते हुए उसकी lines में पढ़ा, with one forefinger, यानी अब ये ओल्ड पर्सन थे पापा पनो, तो उन्होंने बाइबल लाई और स्लोली उसे ट्रेस किया. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, दिस इज माय फिंगर्स और ये हमारी बुक है, तो पापा पनो कैसा, यानी वो ऐसे करते हुए अपनी चारों उंगली से पढ़ रहे थे, ट्रेस करना यानी ऐसे ऐसे आगे आगे अपनी उंगलियों से बढ़ाना, विथ फोर फिंगर यानी उनकी चारों उंगलियों के साथ उसे रीड करना, तो इसे क्या कहते हैं, फोर फिंगर का रीडिंग कहते हैं. He read again the Christmas story. He read how Mary and Joseph tired by their journey to Bethlehem. तो उन्होंने स्टोरी बुक में क्या पढ़ा, उस बाइबल में, यानी कि मैरी और जो जोसेफ थे उन्होंने कैसी अपनी यात्रा की बेथलेहम तक, यानी टायर्ड यानी कि थकान. बेथलेहम स्टूडेंट्स जगह का नाम है, नेम ऑफ अ प्लेस. फाउंड नो रूम, और बेथलेहम में उन्होंने कोई रूम यानी कोई उनके पास घर नहीं था. फॉर देम एट द इन, सो दैट मेरीज लिटिल बेबी वॉज बॉर्न इन द काउशेड, और जो मेरी थी उसको बच्चा हुआ काउशेड यानी किधर, काउशेड का मतलब है वेयर काउ लिव्स इन दियर शेड, यानी कि तबेला, यानी कि शेड के अंदर जो कहाँ काउ रहती है उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, काउशेड, और हिंदी में उसे तबेला कहते हैं. ओ डियर ओ डियर, ये सुनकर पापा पनोफ क्या कहते हैं, यानी ओ डियर एक्सक्लेम पापा पनोफ, पापा पनोफ एक्सक्लेम यानी रुक जाते. इफ ओनली दे हैड कम हियर, आई वुड हैव गिवन देम माय बेड एंड आई कुड हैव कवर्ड द बेबी विद माय पैचवर्क क्विल्ट टू कीप हिम वार्म. तो पापा पनोफ ये स्टोरी पढ़कर क्या बोलते, ओ डियर काश ये मेरे पास आते तो मैं इन्हें क्या देता, यानी इन्हें सोने के लिए मेरा बेड और बच्चे को कवर करने के लिए पैचवर्क का क्विल्ट यानी कि लंबी सी रजाई देते थे ताकि उस बच्चे को गर्मी लगे यानी थोड़ा सा उसे हीट लगे, वार्म लगे यानी गर्मास लगे उसे. ही रीड ऑन अबाउट द वाइस मैन हु हैड कम टू सी द बेबी जीसस ब्रिंगिंग हिम स्प्लेंडेड गिफ्ट्स. फिर उन्होंने क्या रीड किया, उन्होंने क्या देखा कि ही रीड एन अबाउट द वाइस मैन यानी जो स्कॉलर मैन के बारे में उन्होंने पढ़ा जिसने बेबी को क्या, बेबी जीसस को देने क्या स्प्लेंडेड गिफ्ट्स लाया, ब्रिंगिंग हिम स्प्लेंडेड गिफ्ट्स. स्प्लेंडेड का मतलब है अमेजिंग, वंडरफुल यानी बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छे गिफ्ट.
उन्होंने स्टोरी ऐसी पढ़ी कि वहां पर बेबी जीसस को जो बॉर्न हुआ था मैरी एंड जोसेफ को, वो बेबी जीसस थे। तो वाइस मैन ने, एक अच्छे मैन ने यानी स्कॉलर मैन ने, बेबी जीसस के लिए कई सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया। पापा पनोस फेस फेल का मतलब है अपसेट, यानी अब वो दुखी हो गए थे। आई हैव नो गिफ्ट दैट आई कुड गिव हिम, ही थॉट सैडली। पर वो बोलते हैं मेरे पास तो कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है ताकि मैं उसे दे सकूं, और वो ऐसे सोचता है उदासी के साथ यानी सैडली। देन हिज फेस ब्राइटेंड, ही पुट डाउन द बाइबल, गॉट अप एंड स्ट्रेच्ड हिज लॉन्ग आर्म्स टू द शेल्फ हाई अप इन हिज लिटिल रूम। अब उसके लिटिल रूम में अचानक से उसे क्या याद आया, ब्राइटेंड यानी कि उसका फेस वापस से खिल गया, यानी वो वापस खुश हो गया। ही पुट डाउन द बाइबल, उसने बाइबल यानी बुक को, होली बुक को रख डाला, और वो उसकी लॉन्ग चेयर को स्ट्रेच करता है, और वो ऊपर शेल्फ में से एक छोटा सा, उसके छोटे रूम में से क्या निकालता है, ही टुक डाउन अ स्मॉल डस्टी बॉक्स एंड ओपन इट, इनसाइड वाज अ परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज। और उसमें उस शेल्फ के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है, बॉक्स कैसा होता है, डस्टी यानी कि धूल से भरा हुआ होता है, और वो उसे खोलता है, इनसाइड वाज अ परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज, और उसके अंदर क्या होता है, छोटे से लेदर का शूज है। सो अब वो गिफ्ट करने के लिए, बेबी को गिफ्ट करने के लिए जो वो शूज है वो छोटे से अब बहुत परफेक्ट है। पापा पनो स्माइल्ड विद सेटिस्फैक्शन, अब वो बहुत सेटिस्फैक्शन से यानी कि वो बहुत यानी खुश थे, सहमति से उन्होंने एक स्माइल की। यस दे वर एज गुड एज ही हैड रिमेम्बर्ड, द बेस्ट शूज ही हैड एवर मेड, आई शुड गिव हिम दोज, ही डिसाइडेड एज ही जेंटली पुट देम अवे एंड सेट डाउन अगेन। और वो बहुत अच्छे से यानी अब वो शूज को रख देते हैं, और उन्होंने सोचा कि ये शूज बहुत बेस्ट है गिफ्ट देने के लिए बेबी जीसस को, और ये शूज उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था, और वो अच्छे तरीके से शूज को रख देते और वो वापस से नीचे बैठ जाते। ही वॉज फीलिंग टायर्ड नाउ एंड द फर्दर ही रीड द स्लीपियर ही बिकेम, यानी वो जैसे आगे आगे पढ़ते रह रहे थे बुक को, वो वैसे ही यानी और नींद में आ रहे थे, यानी कि उन्हें नींद आ रही थी। द प्रिंट बिगेन टू डांस बिफोर हिज आईज so that he closed them just for a minute. In no time at all, Papa Panov was fast asleep. अब इतनी ही टाइम में पापा पनोव क्या, जब वो बुक को रीड कर रहे थे तो वो उन्हें नींद आ रही थी, और नींद के साथ जो उनको वर्ड्स थे, वर्ड्स जो थे ऐसा लग रहा था वो अब वर्ड्स पूरे बुक से बाहर निकल आ रहे और वो डांस कर रहे। सो पापा पनोव वैसे ही बुक को बंद करते थे और वो कुछ टाइम बाद सो जाते। And as he slept, he dreamed, यानी जैसे ही वो सो गए उन्हें एक सपना आया। He dreamed that someone was in his room and he knew at once, as one does in dreams, who the person was. It was Jesus. तो उन्होंने सपने में क्या देखा कि उनके रूम में कोई आया है, और वो कौन है सपने में उन्होंने देखा है, एक पर्सन थे जो है बेबी जीसस, यानी उन्होंने बेबी जीसस को अपने सपने में देखा। You have been wishing that you could see me, Papa Panov. तो बेबी जीसस क्या बोलते, You have been wish, यानी तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मुझे कभी देखो या तो मुझसे मिलो। He said kindly, Then look for me tomorrow. तो उन्होंने बोले तो ठीक है, अब मेरे लिए कल का वेट करना, यानी कल मुझे तुम देखना। It will be Christmas day and I will visit you, but look carefully for I shall not tell you who I am. तो उन्होंने बोला कल क्रिसमस का दिन है, वो आएंगे तुम्हें विजिट करेंगे पापा पनोव के घर पर बोले तुम मुझे ध्यान से देखना, मुझे बस आई शैल नॉट टेल यू हु आई एम, पर मैं तुम्हें यूं नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, यानी वो अपनी पहचान नहीं बताएंगे। व्हेन एट लास्ट पापा पनोव अवोक, द बेल्स वर रिंगिंग आउट एंड अ थिन लाइट वॉज फिल्टरिंग थ्रू द शटर्स। ब्लेस माई सोल, सेड पापा पनोव, इट्स क्रिसमस डे। अब इतने में बेल्स यानी 12 बज चुके थे, तो क्या हो रहा था, सब बेल्स बज रही थी सबके घर के बाहर से, लाइट सब यानी जो सब लाइट्स थी वो पापा पनोव के फेस के पास से फेस पर आई थी। फिर वो बोलते ब्लेस माई सोल, सेड पापा पनोव, वो बोलते अब क्रिसमस का दिन आ गया है, यानी क्रिसमस अब शुरू हो गया है। ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फॉर ही वॉज रेदर स्टिफ, देन हिज फेस फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड ही रिमेम्बर्ड हिज ड्रीम। अब वो उठे, उन्होंने स्ट्रेच किया अपने आप को, यानी कि उन्होंने एक अंगड़ाई जैसी ली सुबह उठकर, और देन हिज फेस फिल्ड विद हैप्पीनेस, और उनका फेस कैसा खुशियों से भर चुका था, और उन्होंने रिमेम्बर या वो सोचा उनका ड्रीम को, उन्होंने वापस याद किया।
This would be a very special Christmas after all, for Jesus was coming to visit him. How would he look? How would he be a little baby as at that first Christmas? Would he be a grown man, a carpenter, or the great king? So, ये पापा मतलब सोचते रहते हैं कि बेबी जीसस क्या अब वो छोटे रहेंगे या वो अब एक बहुत बड़े एक ग्रोन मैन यानी बड़े आदमी बन चुके या तो वे एक कारपेंटर है ऑफ द ग्रेट किंग यानी एक राजा के एक क्या है वो कारपेंटर है. सो यहाँ पे वो क्या सोचते हैं कि ही वुड बी अ वेरी स्पेशल क्रिसमस. ये क्रिसमस पापा पनोफ के लिए बहुत यानी स्पेशल हो जाएगा. क्यों स्पेशल होगा? क्योंकि उनके घर उनको विजिट करने कौन आ रहा है? बेबी जीसस. फिर वो बेबी जीसस के बारे में सोचते कि वो कैसे होंगे. दैट ही इज गॉड सन्स ही मस्ट वॉच केयरफुली द होल डे थ्रू सो दैट ही रिकॉग्नाइज हिम हाउ एवर ही केम. सो अब वो पूरे टाइम बहुत अच्छे तरीके से सबको देख रहे थे यानी पहचान रहे थे कि ये कौन है जैसे कभी भी वो आए. पापा पनोफ पुट ऑन अ स्पेशल पॉट ऑफ कॉफी फॉर हिज क्रिसमस ब्रेकफास्ट. अब वो सुबह के लिए नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट के लिए एक पॉट ऑफ कॉफी रखते हैं. टुक डाउन द शटर्स एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. वो शटर्स को यानी हटाते हैं और क्या देखते हैं? विंडो के बाहर. द स्ट्रीट वॉज डिजर्टेड. नो वन वॉज स्टरिंग इट. नो वन एक्सेप्ट द रोड स्वीपर. He looked as miserable and dirty as ever and well he might. Whoever wanted to work on Christmas Day and in the raw cold and bitter freezing mist of such a morning. So, वो उन्होंने अपने लिए कॉफी रखा था. फिर वो वैसे ही अपने विंडो के बाहर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं रहता यानी डिजर्टेड यानी एकदम पूरा सन्नाटा होता है और वहां पर कोई घूम भी नहीं रहता एक्सेप्ट एक रोड स्वीपर के. रोड स्वीपर यानी क्या? जो रोड को साफ करते हैं. इन दिस पिक्चर वी कैन सी कि ये स्वीपर है और यही पूरे सुबह में वहां पर रास्ते पर था सिवाय रोड स्वीपर के वहां पर कोई नहीं था. ही लुक्ड मिजरेबल. वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था और डर्टी था यानी गंदा सा लग रहा था. सो यहाँ पर हु आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन क्रिसमस डे यानी वो देखते यहाँ पे किसी को भी क्रिसमस के दिन काम नहीं करना है पर ये जो स्वीपर है वो बेचारा काम कर रहा है इतनी ठंड में और इतनी तपती हुई फ्रीजिंग में यानी कि इतने ठंडी में. पापा पनोफ ओपन्ड द शॉप डोर लेटिंग इन अ थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर. कम इन ही शाउटेड अक्रॉस द स्ट्रीट चीयरली. कम इन एंड हैव सम हॉट कॉफी टू कीप आउट द कोल्ड. तो पापा पनोफ अपना डोर अपने शॉप का डोर ओपन करते हैं और उस स्वीपर को अंदर लाते और जो यहाँ पर थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर और जो बाहर की जो ठंडी हवाएं थी वो अंदर आ रही थी तो वो उसे स्वीपर को बोलते कम इन और यानी एक तुम गर्म कप पी लो कॉफी का. द स्वीपर लुक्ड अप स्केर्सली एबल टू बिलीव हिज इयर्स यानी वो बहुत एकदम दंग होकर देखता है और वो उसके कान इस चीज को सुनने के लिए बहुत तरस चुके थे. ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू पुट डाउन हिज ब्रूम एंड कम इन टू द वॉर्म रूम. और वो बहुत खुश हो गया इस चीज को सुनकर. वो बस ऐसा था कि कब इस ब्रूम को वो फेंके और वो कब उस वॉर्म रूम में आ जाए. His old clothes steamed gently in the heat of the stove and he clasped both red hands round the comforting warm mug as he drank. और वो वैसे ही अपने पूरे hands को red hands को ऐसा करता है comfortably और वो गरम गरम mug जो coffee का होता है उसे पी लेता है. Papa Pano watched him with satisfaction but every now and then his eyes strayed to the window. It would never do to miss his special visitor. सो पापा पनोफ क्या देखते हैं विंडो के उसे बहुत सेटिस्फेक्शन यानी सहमति के साथ अग्रीली देखते हैं. फिर वो उसे क्या बोलते हैं एवरी नाउ उनकी आंखें कहाँ रहती है विंडो के बाहर ताकि वो मिस ना कर दे उनके स्पेशल विजिटर को. एंड हु स्पेशल विजिटर इज जीसस. एक्सपेक्टिंग समवन द स्वीपर आस्क्ड दैट लास्ट. सो पापा पनोफ टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम. सो वो ऐसा स्वीपर है वो पापा पनोफ को कुछ पूछता है उनके ड्रीम के बारे में. Well, I hope he comes, the sweeper said. You have given me a bit of Christmas cheer I never expected to have. Yani wo bolta hai, aapne mujhe Christmas ka ek khushi de di hai aur ye main kabhi expect nahi kar raha tha ki koi mujhe denga. I had say you deserve to have your dream come true. Aur wo yani sweeper hota hai wo unko dua de jata hai. Yu bolta hai ki tumhara tum deserve karte ho ki aapka ye dream jo hai wo zarur pura honga. And he actually smiled. Aur wo sweeper jo hota hai वो सच में से स्माइल करता है. When he had gone, Papa Panoff put on cabbage soup for his dinner, then went to the door again,
स्कैनिंग द स्ट्रीट। पापा पनव अब अपने रात के डिनर के लिए क्या बनाते हैं, कैबेज का सूप। फिर वो वापस से विंडो के तरफ चले जाते हैं, कभी या तो डोर के तरफ, और स्कैनिंग यानी कि वो देखते हैं पूरे रास्ते पर। ही सॉ नो वन बट ही वॉज मिस्टेकन, उन्होंने किसी को देखा नहीं, बट ही वॉज मिस्टेकन, समवन वॉज कमिंग, पर उन्होंने क्या देखा कि कोई वहां से आ रहा है। द गर्ल वॉक्ड सो स्लोली एंड क्वाइटली, हगिंग द वॉल्स ऑफ शॉप्स एंड हाउसेस, दैट इट वॉज अ वाइल बिफोर ही नोटिस्ड हर। सो यहाँ पे एक गर्ल जो थी वो स्लोली आ रही थी। She looked very tired and she was carrying something. As she drew nearer, he could see that it was a baby wrapped in a thin shawl. There was such sadness in her face and in the pinched little face of the baby that Papa Panov's heart went out to them. So, यहाँ पर एक जो लिटिल गर्ल होती है, यानी यहाँ पे एक ऐसी गर्ल होती है और उसके वो स्लोली स्लोली आ रही थी। फिर जब वो थोड़ा और नजदीक आने लगी तो पापा पनोव ने क्या देखा कि उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी है जो एक पतली सी शॉल में, यानी पतले से एक कपड़े के अंदर, एक स्कार्फ के अंदर वो बच्चा बंधा हुआ है। देयर वाज सच सैडनेस, और उस लड़की के ऊपर कैसा उसके फेस पर एक उदासी सी छाई हुई थी। एंड इन द पिंच लिटिल फेस, और उसका फेस कैसा था, यानी एकदम छोटा सा था। ऑफ द बेबी दैट पापा पनोव हार्ट वेंट आउट टू देम, और उस बेबी के लिए पापा पनोव का हार्ट बहुत, यानी एकदम छोटा सा हो गया। वॉन्ट यू कम इन, फिर वो लड़की को बोलते वॉन्ट यू कम इन, ही कॉल्ड स्टेपिंग आउटसाइड टू मीट देम, यू बोथ नीड अ वॉर्म बाय द फायर एंड अ रेस्ट। तो बोलते तुम अंदर आ जाओ, और जैसे वो अंदर आते हैं तो यू बोथ नीड, यानी वो बोलते हैं कि अभी तुम दोनों को क्या जरूरत है, यानी कि एक थोड़े से आराम के लिए और फायर के लिए, यानी कि थोड़ी सी गर्माहट के लिए। द यंग मदर लेट हिम शेपर्ड हर इंडोर्स एंड टू द कम्फर्ट ऑफ द आर्म चेयर, शी गेव अ बिग साई ऑफ रिलीफ। और जब वह यंग मदर होती है, बच्चे की माँ, वो अंदर आ जाती है और वो कम्फर्टेबली आर्म चेयर पर बैठ जाती है, यानी वो आराम करती है। शी गेव अ बिग साई ऑफ रिलीफ, और वैसे ही चेयर पर बैठ गई, यानी एक लंबी सांस लेती है, यानी राहत की एक सांस लेती है। आई विल वार्म सम मिल्क फॉर द बेबी, पापा पनोव सेड, आई हैव हैड चिल्ड्रन ऑफ माई ओन, आई कैन फीड हर फॉर यू। ही टुक द मिल्क फ्रॉम द स्टोव एंड केयरफुली फेड द बेबी फ्रॉम अ स्पून, वार्मिंग हर टाइनी फीट बाय द स्टोव एट द सेम टाइम। तो पापा पनोव बोलते हैं कि मैं इस बेबी को थोड़ा सा दूध दे देता हूँ गर्म करके, मेरे पास खुद मेरे ओन चाइल्ड थे, आई कैन फीड हर फॉर यू, मैं इस बेबी को खुद खाना खिला सकता हूँ। फीड का मतलब है टू गिव समवन टू ईट, यानी किसी को खाना देना, यानी किसी को कुछ चीज़ खिलाना। ही टुक द मिल्क फ्रॉम द स्टोव एंड केयरफुली फीड द बेबी फ्रॉम अ स्पून, और वो स्पून से अब वो बेबी को गर्म गर्म दूध पिला रहे थे। वार्मिंग हर टाइनी फीट बाय द स्टोव एट द सेम टाइम, और वो स्टोव के नज़दीक ही लेकर अब बेबी के जो टाइनी टाइनी पैर थे वो उसे थोड़ा सा वार्म कर रहे थे। शी नीड्स शूज, द कॉबलर सेड। सो जो पापा पनोव क्या होते हैं, वो भी कॉबलर होते, तो वो बोलते कि अभी से जूते की, एक छोटे से शूज की ज़रूरत है। बट द गर्ल रिप्लाइड, आई कांट अफोर्ड शूज, आई हैव गॉट नो हस्बैंड टू ब्रिंग होम मनी, आई एम ऑन माई वे टू द नेक्स्ट विलेज टू गेट वर्क। सो वो लड़की क्या रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी मैं इतना पैसा नहीं दे सकती। अफोर्ड का मतलब है प्रोवाइड, यानी नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके पास उसका हस्बैंड नहीं है जो उसके घर पर कुछ पैसे लाए। आई एम ऑन माई वे टू द नेक्स्ट विलेज टू गेट वर्क, और अब मैं बस नेक्स्ट विलेज जा रही हूँ अपने काम के लिए, यानी वो अपने काम को ढूंढने निकलती है। अ सडन थॉट फ्लैश थ्रू पापा पनोव्स माइंड, ही रिमेम्बर्ड द लिटिल शूज ही हैड लुक्ड एट लास्ट नाइट। तो पापा पनोव का अचानक कुछ याद आता है, फ्लैश यानी कि रिमेम्बर्ड, यानी उन्हें कुछ याद आया कि उन्होंने, ही रिमेम्बर्ड द लिटिल शूज, उन्होंने कुछ याद किया था कि लास्ट नाइट उनके पास, उन्होंने शूज को निकाल के रखा है। बट ही हैड बीन कीपिंग दोज फॉर जीसस, बट उन्होंने वो छोटे शूज जीसस के लिए रखा है। ही लुक्ड अगेन एट द कोल्ड फिट एंड मेड अप हिज माइंड, बट उन्होंने वापस से उस बच्चे के छोटे छोटे पैरों को, ठंडे पैरों को देखा, और उन्होंने अपने माइंड को क्या किया, ट्राई दिस ऑन हर, यानी अब वो सोचा कि अब ये लिटिल शूज इस बेबी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये ठंडी में अब ये लोग वापस जाएंगे तो उसे चीज की वॉर्म के लिए जरूरत है शूज। ट्राई दिस ऑन हर, वो बोलते इसके पैर पर वापस पिनाओ, देखो। ही सेड हैंडिंग द बेबी एंड द शूज टू द मदर, द ब्यूटिफुल लिटिल शूज वर अ परफेक्ट फिट, द गर्ल स्माइल्ड हैप्पीली एंड द बेबी गर्गल्ड विद प्लेजर।
अब वो जो ब्यूटीफुल लिटिल शूज जो होते हैं वो बेबी को अच्छे से परफेक्टली फिट हो जाते हैं। जो गर्ल होती है यानी बेबी की मदर, वो अच्छे से खुश हो जाती है और यानी हंसती है खुशी खुशी, और बेबी जो होता है छोटा वो गर्गल करता है। गर्गल का मतलब है अ साउंड ऑफ बेबी लाफिंग, यानी बच्चे लोग जो जोर से हंसते थोड़े वॉइस नॉइज निकाल के साउंड निकाल के उसे गर्गल कहते विथ प्लेजर। सो जो छोटा बेबी कैसा गर्गल करता है विथ प्लेजर यानी हैप्पीली। यू हैव बीन सो काइंड टू अस द गर्ल सेड, यानी वो गर्ल बोलती यानी तुम हमारे साथ बहुत काइंड थे यानी बहुत अच्छे थे। द गर्ल सेड व्हेन शी गॉट अप विथ अ बेबी टू गो, जैसे वो उठी उसके बेबी के साथ जाने, मे ऑल योर क्रिसमस विशेस कम ट्रू। अब वापस से ये सेकेंड गर्ल उसे दुआ दे जाती है कि क्रिसमस की सारी जो तुम्हारी विश है वो पूरी सच हो जाए। बट पापा पनो वॉज बिगनिंग टू वंडर इफ हिज वेरी स्पेशल क्रिसमस विश वुड कम ट्रू, पर हैप्स ही हैड मिस्ड हिज विजिटर ही लुक्ड। यानी अब पापा पनोव को वो दुआ दे जाती है और वो पापा पनोव क्या सोचते यानी वंडर करते कि उनके स्पेशल क्रिसमस के जो विजिटर है कहीं वो सच में आ जाएंगे। पर हैप्स ही हैड मिस्ड हिज विजिटर, पर शायद उन्होंने अपने विजिटर को कभी मिस तो नहीं कर दिया। पर हैप्स का मतलब है मे बी या तो नॉट श्योर यानी शायद। ही लुक्ड एंशियसली, एंशियसली का मतलब है इन एक्साइटमेंट। अप एंड डाउन द स्ट्रीट देर वॉज प्लेंटी ऑफ पीपल अबाउट बट दे वर ऑल फेसेस दैट ही रिकॉग्नाइज। और वो अपने विंडो से बार बार देख रहे थे सुपर एक्साइटमेंट के साथ, पर वहाँ पे कहीं सारे लोग थे। प्लेंटी का मतलब मैनी यानी कहीं सारे लोग थे, पर वो उन सब के चेहरों को जानते थे। रिकॉग्नाइज यानी टू नो समवन, किसी को वो जानते थे। देयर वर नेबर्स गोइंग टू कॉल ऑन देयर फैमिलीज, दे नॉटेड एंड स्माइल्ड एंड विश्ड हिम हैप्पी क्रिसमस। सो वहाँ पे का नेबर्स थे उनके और वो उन्हें अपने कैसे बैगर्स को और एक दूसरे को सब लोग को वो लोग हैप्पी क्रिसमस यानी मेरी क्रिसमस विश कर रहे थे। पापा पनव हरीड इंडोर्स टू फेच देम हॉट सूप एंड अ जेनरस हंक ऑफ ब्रेड, हरिंग आउट अगेन इन केस ही मिस द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर। सो उनके घर पे जितने लोग विजिट कर रहे थे नेबर्स लोग सब उन्हें अपनी फैमिलीज के साथ आके, तो पापा पनव ने उन्होंने क्या दिया था बैगर्स को सबको एक अपना छोटा सा सूप दिया था और ब्रेड दिया था, और वो सब कैसे जा रहे थे। फिर वो सोचते इतने टाइम में मैंने अपना विजिटर को यानी मेरे अपने इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर को कहीं मैंने वापस से मिस तो नहीं कर दिया। फैच यानी कि ब्रिंग यानी उसे लाना, स्ट्रेंजर यानी अ पर्सन वी डोंट नो यानी अनजान, उसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर कौन है अ पर्सन वी डोंट नो यानी कि उनके जो उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विजिटर को यानी उन्होंने कभी मिस तो नहीं कर दिया इतने टाइम में। अगर वो उनके नेबर्स के लिए ये सूप वूप लेने जाएंगे कभी अगर उनका विजिटर आकर चले गया तो वो उसे मिस कर देंगे, तो वो वापस से उसे देखते। ऑल टू सून द विंटर डस्क फेल, अब इतने में विंटर डस्क जो थी वो अब चली गई। व्हेन पापा पनोफ नेक्स्ट वेंट टू द डोर एंड स्ट्रेन्ड हिज आईज ही कुड नो लॉन्गर मेक आउट द पासर्स बाय, मोस्ट वर होम एंड इंडोर्स बाय नाउ एनीवे। अब वहां पर आसपास कोई नहीं था और रात हो गई थी तो पापा पनोफ को अब दिख भी नहीं रहा था। ही वॉक स्लोली बैक इनटू हिज रूम एट लास्ट, अब वो स्लोली अपने रूम में चले गए, पुट अप द शटर्स एंड सेट डाउन वियरिंगली इन हिज आर्म चेयर, और वो शटर्स को यानी विंडोज को बंद कर देते और वो बैठ जाते यानी वियरिंगली इन हिज आर्म चेयर, अपनी वो बड़ी सी आर्म चेयर पर टायर्ड होके, वियरली यानी टायर्ड यानी थकन से वो बैठ जाते। सो इट हैड बीन जस्ट अ ड्रीम आफ्टर ऑल, तो वो बोलते अब ये तो बस मेरे लिए एक ड्रीम ही था। जीसस हैड नॉट कम, जीसस अब आए नहीं। देन ऑल एट वन वंस ही न्यू दैट ही वॉज सो लॉन्गर अलोन इन द रूम, फिर उन्हें सोची कि इतने टाइम में वो क्या है अकेले ही है रूम में। दिस वॉज नॉट अ ड्रीम फॉर ही वॉज वाइड अवेक, एट फर्स्ट ही सीम टू सी बिफोर हिज आईज द लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ पीपल हु हैड कम टू हिम दैट डे, यानी उन्होंने अपने वापस से अपने सपनों में क्या देखा कि कई सारे लोग आए हैं और वहाँ खड़े हैं। ही सॉ अगेन द ओल्ड रोड स्वीपर, उन्होंने अब अपने सपनों में पहले एक एक करके सब आए यानी वो देखते हैं कि उनके रूम में इतने लोग तीनों खड़े हैं, कौन है। ही सॉ अगेन द ओल्ड रोड स्वीपर, पहले जो आया था स्वीपर, सेकेंड द यंग मदर एंड हर बेबी एंड द बेगर ही हैड फेड, और लास्ट में कौन आया था जो बेगर जिसको उसने खाना खिलाया था। एज दे पास्ड ईच विस्पर्ड डिडंट यू सी मी पापा पनोव, और वो तीनों क्या विस्पर्ड करते यानी पापा पनोव सपना देखते
और वो क्या देख, विस्पर्ड यानी टू मम, यानी फुसफुसाना, यानी किसी के कान में कोई कुछ बात बोलना स्लोली, उसे विस्पर्ड कहते। तो वो तीनों बोलते, डिडंट यू सी मी पापा पनोफ, यानी तुमने मुझे देखा नहीं। हु आर यू, ही कॉल्ड आउट बिवाइल्डर्ड, और यहाँ पे वो वैसे ही बोलते, कौन हो तुम, यानी कि तुम कौन हो। ही कॉल्ड आउट बिवाइल्डर्ड, यानी वो एकदम जल्दी से हेजिटेटली होके बोलते। देन अनदर वॉइस आंसर्ड हिम, इट वॉज द वॉइस फ्रॉम हिज ड्रीम, द वॉइस ऑफ जीसस। तो वो एक दूसरी आवाज सुनते हैं, वो क्या थी, उनकी ड्रीम वॉइस थी, यानी जो उनको सपने में आवाज थी जीसस की, द वॉइस ऑफ जीसस, वो किसकी थी, जीसस की वॉइस थी। आई वॉज हंग्री एंड यू फेड मी, तो वो बोलते मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। ही सेड आई वॉज नेकेड एंड यू क्लॉथ मी, यानी मैं नेकेड था, नॉट वोर क्लोथ्स, या तो शूज, यानी नंगे पैर, या तो कपड़ा नहीं पहने, उसे नेकेड कहते। तो तुमने मुझे कपड़ा दिया पहनने। आई वॉज कोल्ड एंड यू वॉर्म्ड मी, यानी मैं ठंड में था, तो तुमने मुझे थोड़ी सी हीट दी, यानी गर्माहट दी। आई केम टू यू टूडे इन एवरी वन ऑफ दोज हू हेल्प मी एंड वेलकम, आज मैं तुम्हारे घर आया था, जिस जिसको तुमने हेल्प किया था वो कौन था, वो मैं ही था। देन ऑल वॉज क्वाइट एंड स्टिल, ओनली द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक टिकिंग कुड बी हर्ड, और सब चीज एकदम शांत था और वैसे की वैसे ही था, सिर्फ एक आवाज आई थी बिग क्लॉक की, यानी क्लॉक जो टिक हो रहा था, और उन्होंने उस आवाज को सुना। अ ग्रेट पीस एंड हैप्पीनेस सीम टू फिल द रूम, ओवरफ्लोइंग पापा पनोव्स हार्ट, अंटिल ही वॉन्टेड टू बर्स्ट आउट सिंगिंग एंड लाफिंग एंड डांसिंग विद जॉय। सो ही डिड कम आफ्टर ऑल वॉज ऑल दैट ही सेड, तो वो बहुत अब खुशी से एकदम पापा पनोव इस सपने को देख के खुश हो गए, और वो जितने भी तीनों पर्सन जो उन्होंने पापा पनोव ने हेल्प किया था, फर्स्ट स्वीपर को, सेकंड उस बच्चे के साथ में उस मदर को, एंड थर्ड जो बैगर उनके घर आया था, तो ये तीनों कौन था, यानी तीनों जीसस थे, जीसस ने इन सबका भेस लेकर आए थे और पापा पनोव ने इन सबका हेल्प किया। तो पापा पनोव ये चीज जानकर बहुत खुश हो गए, फिर वो सिंगिंग यानी गाने लगे, हंसने लगे और डांस करने लगे इन जॉय, यानी विथ जॉय के साथ, यानी खुशी खुशी वो डांस करे। सो ही डिड कम आफ्टर ऑल, तो वो बोलते सो अब ये आ गया है, यानी वो आया, वॉज ऑल दैट ही सेड, और वो जैसे उसने सब बोल दिया। लियो टॉल्स्टॉय, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय इस चैप्टर पापा पनो स्पेशल क्रिसमस के राइटर है, क्या नाम है इनका, लियो टॉल्स्टॉय। सो दिस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर क्लासमेट्स, एंड स्टूडेंट्स डोंट फर्गेट टू चेक अवर प्ले लिस्ट। सो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।